वो मदुरै में मीनाक्षीपुरम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं, और ये मीनाक्षीपुरम की तस्वीरें हैं। मीनाक्षीपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की अपने तमिलनाडु दौरे में। आज उनका तमिलनाडु का दौरा, केरल और दिखा रहे हैं मीनाक्षीपुरम मंदिर के हैं। दक्षिण भारत के बहुत सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है मीनाक्षीपुरम मंदिर, और मदुरै में है जैसा मैंने बताया, तमिलनाडु स्थित ये माँ मीनाक्षी देवी का ये मंदिर विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यहाँ की खूबसूरत और महीन शिल्पकारी ने इसे दुनिया के विशिष्ट जो स्थान हैं उनमें स्थान दिलाया है। और दरअसल मुख्य रूप से पार्वती जी को, माँ पार्वती को समर्पित है ये मंदिर, जिन्हें मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है ये मीनाक्षी मंदिर, जिसे प्राचीन वेगई नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पर पहुँचे हैं और पूजा अर्चना की है। ये जो मंदिर है मीनाक्षीपुरम, जहाँ पर पीएम पूजा करते हुए दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जहाँ पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं, इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह 3500 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। और ये भारत के उन मंदिरों में इसकी गिनती होती है जहाँ जो सबसे, एक तरह से कह सकते हैं, सबसे जो संपन्न मंदिर हैं उनमें इसको माना जाता है। लेकिन साथ साथ इस मंदिर की जो स्थापत्य कला है, वास्तुकला है, वो भी बहुत खूबसूरत है, देखते ही बनती है। तमिल साहित्य में कई मंदिर हैं, कई कहानियां हैं जिसमें इस मंदिर का जिक्र है। मदुरै का मीनाक्षीपुरम मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए तमिलनाडु में, तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षीपुरम मंदिर। 2 दिन का दौरा प्रधानमंत्री का, दक्षिण भारत का केरल और अब तमिलनाडु, और कार्यक्रम आज के उनका जो अंतिम कार्यक्रम मदुरै में मीनाक्षीपुरम मंदिर में पूजा अर्चना। ये मीनाक्षीपुरम मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, और मंदिर में 8 खंभों पर लक्ष्मी जी की मूर्तियां बनी हैं। इन खंभों पर भगवान शिव की पौराणिक कथाएं भी लिखी गई हैं। मीनाक्षीपुरम मंदिर के परिसर में एक पवित्र सरोवर भी है जो 165 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने के बाद मंदिर से निकलते हुए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दृश्य जो है मदुरै के हैं, मीनाक्षीपुरम मंदिर के हैं। इस मंदिर में एक खास बात यह भी है कि इसमें भगवान शंकर की पौराणिक कथाएं जो हैं वो अंकित हैं, उत्कीर्ण हैं मूर्तियों के रूप में। और मीनाक्षीपुरम मंदिर मीनाक्षी या मछली की आकार की आंख वाली देवी को समर्पित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मदुरै का मीनाक्षीपुरम मंदिर माँ पार्वती को समर्पित, और माँ पार्वती का ही नाम मीनाक्षी है और इसीलिए इस मंदिर को मीनाक्षीपुरम मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर के आगे के भाग में दीवारों और खंभों पर कई तरह की कलाकृतियाँ दर्शाई गई हैं और देवी पार्वती के सबसे पवित्र स्थानों में से एक ये मंदिर है, देवी पार्वती के सबसे पवित्र स्थानों में से एक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी हुआ वहाँ पर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं तो सड़कों के किनारे लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे। और ये उस वक्त के दृश्य हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब काफिला निकला तो प्रधानमंत्री मदुरै में लोग सड़कों के किनारे जमा हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार के भीतर से ही लोगों का अभिवादन किया, उनके अभिवादन स्वीकार किया। ये मदुरै में मंदिर से बाहर निकलने के वक्त का ये दृश्य है। जब वो मंदिर से बाहर निकले, मीनाक्षीपुरम मंदिर से बाहर निकले, तो फिर लोग सड़कों के दोनों तरफ जमा थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। कुछ लोगों ने पुष्प वर्षा भी की, आप देख सकते हैं इसमें कुछ लोगों ने पुष्प वर्षा की, कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे निकाले प्रधानमंत्री की एक तस्वीर खींचने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। मीनाक्षीपुरम मंदिर से बाहर निकल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला। तो प्रधानमंत्री का दो दिन का बेहद अहम दौरा ये दक्षिण के राज्यों में, दक्षिण भारत में केरल और आज तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। मीनाक्षीपुरम मंदिर से बाहर निकलने के बाद के दृश्य हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला और लोग उनके काफिले का स्वागत करते हुए, प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए, उनकी तस्वीरें खींचते हुए, उनको हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हुए। और कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर हर्ष प्रकट करने के लिए पुष्प वर्षा भी की। तो प्रधानमंत्री का जो आज का जो दौरा था उससे जुड़े हम कुछ तस्वीर दिखा रहे थे मीनाक्षीपुरम मंदिर के और